हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। सो व्हाट आर कोस्टल प्लेन्स? कोस्टल प्लेन्स मींस द प्लेन एरिया विच वर सराउंडेड बाय सी और ओशन। मतलब जो एरिया सी और ओशन से सराउंडेड रहेगा प्लेन एरिया, दैट इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन। और आइलैंड, आइलैंड मींस लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड, है ना? वाटर से चारों तरफ से सराउंडेड रहेगा, उसे हम बोलते हैं बच्चों आइलैंड। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू। डू यू नो द प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन गुजरात? एक ऐसा प्रोडक्ट बताना है जो गुजरात में प्रोड्यूस्ड होता है और चिल्ड्रन को बहुत पसंद आता है। सो दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अमूल चॉकलेट, है ना? जो अमूल की चॉकलेट, अमूल चॉकलेट मिल्क भी होता है। तो ये जो है प्रोडक्ट बच्चों को बहुत फेवरेट होता है, बहुत पसंद आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, बाकी आपको सर्च करने हैं, पता करने हैं कि और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट द ग्रेट पेनिनसुलर रीजन इज बाउंडेड इन द वेस्ट बाय वेरियस हिल्स कॉल्ड वेस्टर्न घाट। मतलब यहाँ पे वेस्ट, ये हमारी क्या है बच्चों? वेस्ट डायरेक्शन है। एंड दिस वन इज अवर ईस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में बहुत सारी हिल्स हैं, है ना, जो कि किससे है? ये पेनिनसुलर रीजन बोला है, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर रीजन। ये जो तुम्हारा नीचे का जितना भी हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन किसे क्यों बोलते हैं बच्चों इसे? पेनिनसुलर का मतलब होता है कि थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड हो। तो थ्री साइड से है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। सो दिस इज पेनिनसुलर लैंड। तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो वेस्टर्न घाट है, ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? ईस्टर्न घाट, दिस वन इज ईस्टर्न घाट। सो इन द मैप यू विल सी दैट देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स बिटवीन घाट्स एंड द सी ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों साइड ही कोस्टल प्लेन है, इस साइड भी है और इस साइड भी, और कैसा है बच्चों? नैरो है, बहुत ही सकरा है। ठीक है, द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 6000 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्र का एरिया जो सराउंडेड है, वो अप्रोक्स कितना है? 6000 किलोमीटर लॉन्ग, 6000 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है बच्चों, इट बिगिंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच इन द बेस्ट। यहाँ पे गल्फ ऑफ कच बेस्ट से शुरू होता है, और कन्याकुमारी इन द साउथ कहाँ तक जाता है? नीचे कन्याकुमारी साउथ तक जाता है। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर इट गोज अप टू वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ कन्याकुमारी से फिर कहाँ तक जाएगा? ऊपर यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक जाएगा। ठीक है, सो ऑल अलोंग द कोस्ट अ गल्फ इज फॉर्म्ड व्हेन अ नैरो पार्ट ऑफ द सी एंटर्स अ लैंड। गल्फ मतलब कैसे बनेगी? जब कोई नैरो पार्ट ऑफ लैंड, मतलब बहुत सकरा सा एरिया रहेगा लैंड का, और वो क्या रहेगा? समुद्र से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गल्फ। दस दीज कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोस्टल प्लेन्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों? टू पार्ट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो जो वेस्ट डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ईस्ट डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दीज प्लेन्स लाई फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच इन द वेस्ट टू कन्याकुमारी इन द साउथ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से? कच, गल्फ ऑफ कच से शुरू हो रही है नीचे कन्याकुमारी तक, और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इस कोस्टल प्लेन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। सबसे इसमें फर्स्ट वाला जो है, दैट इज कॉल्ड गुजरात कोस्ट, है ना? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? गुजरात कोस्ट, मतलब जितना एरिया गुजरात से लग रहा है समुद्र से, वो क्या है? गुजरात कोस्ट। गुजरात के नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, और उसके नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो बच्चों, दिस वन ईस्टर्न घाट वाले साइड में दो टाइप, दो उसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कोरोमंडल कोस्ट, इसको मैं इरेज करती हूँ। सो फर्स्ट वन क्या है बच्चों? यहाँ कोरोमंडल कोस्ट है, एंड आफ्टर कोरोमंडल कोस्ट नेक्स्ट वन इज नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक है, दीज आर द नाम ऑफ, दीज आर द नेम ऑफ कोस्टल प्लेन्स, है ना, जो डिवाइड किए गए हैं कोस्टल प्लेन्स को ईजिली पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में गुजरात कोस्ट हमने अभी मैप में देखा बच्चों, दिस इज गुजरात कोस्ट, है ना? तो अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
So the narrow coastal strip on the western coast of India from the Gulf of Kutch to Kanyakumari is called western coastal plain. Western coastal plain कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात में Gulf of Kutch से नीचे कन्याकुमारी तक ये हमारा western coastal plain है. इसमें से जो नॉर्दर्न पार्ट है इस प्लेन का उसको हम बोलते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन. उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है बच्चों दैट इज कॉल्ड गुजरात कोस्टल प्लेन. सो दिस कोस्ट इज बॉर्डरिंग पाकिस्तान एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ राजस्थान. इसका थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में लगता है और थोड़ा बाकी हिस्सा राजस्थान में. क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ का? सेमी ड्राई. सेमी ड्राई मतलब पूरा सूखा नहीं होता, आधा सूखा आधा ठीक है, आधा ठीक होता है. सो खंबात इज रिच इन पेट्रोलियम रिसोर्सेज. यहाँ खंबात की खाड़ी जिसे बोला जाता है गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे पेट्रोलियम रिसोर्सेज हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं. क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन कोयली रिफाइनरी. और जो क्रूड ऑयल है कच्चा तेल है उसको रिफाइंड किया जाता है कोयली रिफाइनरी में. कोयली नाम है. यहाँ के पीपल क्या ग्रो करेंगे बच्चों? सो कॉटन, ग्राउंडनट मींस मूंगफली, टोबैको जर्दा, एंड दिस एरिया हैज द बिगेस्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. गुजरात के लोग आपने पता ही होगा कि बहुत ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं, है ना, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन गुजरात में मिलते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉटन की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. कांडला और ओखा आर द टू मेजर सी पोर्ट. और यहाँ पे दो मेजर सी पोर्ट है कांडला और ओखा, ठीक है. द वर्ल्ड फेमस गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द गल्फ ऑफ कच्छ. गिर फॉरेस्ट, देखो जी फॉर गिर फॉरेस्ट एंड जी फॉर गल्फ ऑफ कच्छ. तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फेमस वो कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ में है. नाउ सेकंड हमने क्या पढ़ा था बच्चों? द कोंकण कोस्ट इन सेंट्रल इंडिया. ये देखो यहाँ पे मैप में ये बीच में क्या है? कोंकण कोस्ट. पहले गुजरात कोस्ट जो हमने पढ़ लिया, अब क्या है? कोंकण कोस्ट. तो कोंकण कोस्ट क्या है? This part of the coastal plain is very narrow. बहुत ही ज्यादा सकरा है. It is spread from Gujarat coast up to Goa. गुजरात से शुरू होके गोवा तक आता है. Land is rocky and uneven. पत्थर पथरीली जमीन है और uneven है मतलब पूरा uniform एक जैसा नहीं है. Uneven है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा. That is called uneven. Some hills extend into the sea. कुछ जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो समुद्र तक जाती हैं. They are threat to the ships and ships may collide with them. अगर समुद्रों में पहाड़ होंगे, ठीक है, समझ रहे हो, चट्टाने होंगी, तो अगर कोई भी शिप वहां से पास हो रही और वो उससे टकरा गई तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, है ना. तो ये बहुत एक थ्रेट है, डर बना रहता है. इन ऑर्डर टू कीप शिप्स अवे फ्रॉम सच अ डेंजर, कि शिप्स जो है इस डेंजर को देख पाए कि आगे कहीं पे एक हिली आइलैंड टाइप आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लाइट हाउसेस आर बिल्ट हियर. ये दिख रहा है ना बच्चों, ये लाइट हाउस है. लाइट हाउस बिल्ट होता है और दे आर टॉल पिलर लाइक टावर्स विथ अ ब्राइट बीम ऑफ लाइट एमिटेड एट नाइट एंड दे बॉर्न द शिप. क्या होता है कि रात के समय में यहाँ पे ब्राइट लाइट दिखती है, बहुत ज्यादा लाइट यहाँ से समुद्र की तरफ दिखती है या दिखाई जाती है, जिससे क्या होता है शिप्स को वार्निंग मिल जाती है कि अगर आगे कोई खतरा है या नहीं है, ठीक है, उनको पास होना चाहिए या नहीं. जैसे कि जब रेलवे, आपने मेजरली देखा होगा कि जब भी रेलवे जाती है तो जो पुराने टाइम में देखा होगा कि जो टीटी वगैरह रेड और ग्रीन फ्लैग लेके खड़ा हो जाते था कि ग्रीन अगर उसने दिखा दिया दैट मीन्स लाइन क्लियर है, आप आगे बढ़ जाओ ट्रेन, है ना, लेकिन रेड दिखा दिया दैट मीन्स हमें ट्रेन को रोकना है. तो इस तरीके से लाइट हाउस भी ये काम करता है ना, ये लाइट दिखाता है. द बिगेस्ट पोर्ट सिटी एट दिस कोस्ट, सबसे बड़ी जो पोर्ट सिटी है, सबसे बड़ा जो पोर्ट है, शिप पोर्ट की बात हो रही है बच्चों, है ना, एयरपोर्ट की नहीं. तो शिप पोर्ट मतलब वाटर पोर्ट, में वाटर में होगा ना, शिप वाटर में चलती है. तो जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो मुंबई में है और ऑयल फील्ड ऑफ बॉम्बे हाई ऑल्सो लाई हेयर. बॉम्बे हाई जो ऑयल फील्ड है जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो भी यहाँ आता है, यही पड़ता है इसी एरिया में. और इट इज नोन एज द सागर सम्राट, उसे सागर सम्राट भी बोला जाता है. नाउ थर्ड वन इज द मालाबार कोस्ट इन साउथ सदर्न इंडिया. अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मालाबार कोस्ट पढ़ेंगे सदर्न इंडिया में, ठीक है. सो इट लाइज टू द साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट अप टू कन्याकुमारी. अब देखो यहाँ कोंकण कोस्ट हमने पढ़ा था, ये यहाँ से कोंकण के बाद क्या शुरू हो रही? मालाबार शुरू हो रही और नीचे कहाँ तक आएगी? कन्याकुमारी तक आएगी. सो
इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्लाइमेट हियर इज ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेयर में नमी होती है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट। राइस, कोकोनट, बनाना, कैश्यूनट, कैराडोमम, पेपर एंड क्लोव्स आर ग्रोन हियर, मतलब केले, नारियल, काजू वगैरह यहाँ पे फेमसली ग्रो होते हैं। ऑन द मालाबार कोस्ट देयर आर लगूंस, लेक्स ऑफ सॉल्टी वाटर। लगूंस क्या बोलते हैं बच्चों, छोटे छोटे से तालाब, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, उनका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, विच आर फिट फॉर बोटिंग एंड फिशिंग। अब सॉल्टी वाटर है मतलब दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, हम उसे पी तो नहीं सकते, तो दैट इज फिट फॉर बोटिंग एंड फिशिंग, मतलब वहाँ बोटिंग और फिशिंग ईजिली होती है। कोची इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो कोची है। शिप्स आर बिल्ट इन कोची, कोची में शिप्स बनती हैं, और इट हैज अ शिप बिल्डिंग यार्ड्स, बहुत बड़े बड़े यार्ड्स हैं जहाँ पे शिप का शिप बनती है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट, ये लगूंस है ठीक है, लेक्स ऑफ सॉल्टी वाटर, इनका लगूंस का जो वाटर रहता है वो कैसा रहता है बच्चों, सॉल्टी रहता है। ठीक है, नाउ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर रिलेटिवली वाइडर एंड मोर लेवल्ड, मतलब थोड़ा अगर कंपैरिजन में देखोगे बच्चों तो इसके कंपैरिजन में देखो, ये इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा वाइड है, चौड़ा है, किसके कंपैरिजन में, वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में। दे एक्सटेंड फ्रॉम कन्याकुमारी टू गंगा डेल्टा, कन्याकुमारी से गंगा डेल्टा तक जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सबसे पहला है कोरोमंडल कोस्ट और उसके बाद क्या है, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, हमने बताया था इसमें अपन ने देखा कोरोमंडल कोस्ट, और कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर नॉर्दर्न सरकार। नाउ द सदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट, जो साउथ वाला हिस्सा उसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं और जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के नाम पे ही है। बोथ कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी, दोनों देखो यहाँ से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ रहा है, यहाँ से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे मिलते हैं, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी। नाउ नेक्स्ट इज, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल फॉर यू, आई एम राइटिंग इट अगेन, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव लेस रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में रेनफॉल कम होती है, बट द सॉइल ऑफ दिस कोस्ट इज वेरी मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो सॉइल है बच्चों वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। राइस, सुगर केन, कॉटन, टोबैको ये यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं, और चेन्नई, पुडुचेरी, रामेश्वरम ये यहाँ पे पढ़ते हैं शहर। ठीक है, चेन्नई, पुडुचेरी, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है, रामेश्वरम एक बीच है ठीक है, और एक एरिया है, लाई ऑन दिस कोस्ट। देयर इज अ फेमस चिल्का लेक अलोंग द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में एक फेमस चिल्का लेक है जो कि लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया है, मतलब सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, सबसे बड़ी वो कौन सी है बच्चों, चिल्का लेक है। नाउ दीज प्लेन्स हैव वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। अब देखो बच्चों जो भी रिवर्स हैं जब वो कहाँ जाती हैं, समुद्र में, ओशंस में मिलती हैं, तो ओशन में मिलने पे ये ट्रायंगुलर शेप का क्या बनाती है, कि स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और सारी रिवर्स का एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सी या ओशन होता है। वी हैव लार्ज फिशिंग एरिया एंड मैनी सी पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट, मतलब फिशिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, और साथ में बहुत बड़े क्या हैं, सी पोर्ट्स है, जैसे कि कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये मेजर सी पोर्ट है प्लेन्स में। ठीक है, ब्यूटीफुल मरीना बीच इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट इन चेन्नई, चेन्नई में हमने पढ़ा था ब्यूटीफुल मरीना कोस्ट है। ठीक है, कोस्टल प्लेन मरीना बीच है, समझ गए, बीच मतलब समुद्र से लगा हुआ एरिया जहाँ की सॉइल तो होगी नहीं, वहाँ पे समुद्र के पास वाला एरिया कैसा होगा, वहाँ पे क्या होती है, रेत होती है, सैंड मिलती है, बहुत फाइन सैंड मिलती है,
नाउ कोस्टल प्लेन्स, और ऐसा नहीं है सॉइल भी मिलती है, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की सॉइल ज्यादा फर्टाइल है कंपैरेटिवली टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन सपोर्ट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ पे क्योंकि वाटर अवेलेबल है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे क्या रहता है बच्चों, वाटर, क्योंकि वाटर से हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी मिलती है। पीपल आर नोन फॉर देयर स्किल्स इन, पीपल क्या क्या काम करते हैं यहाँ के, जैसे हैंडीक्राफ्ट होते हैं यूजिंग कॉर्ड शेल एक्सेट्रा, शेल्स मिलते हैं ना, शेल वगैरह समुद्र के किनारे वगैरह, तो बहुत अच्छे इनसे हैंडीक्राफ्ट हाथ से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन करके वहां पे बहुत अच्छे आइटम्स बनाते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन यहाँ की क्या होगी बच्चों, फिशिंग होगी। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, मतलब इंडिया का कुछ हिस्सा या तो अरेबियन सी में है और बे ऑफ बंगाल में है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड आइलैंड, वो उनको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है जो कि कहाँ है, वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला। तो ये मैप में आप देख लो अच्छे से समझ में आएगा, दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड और ये कहाँ है, अरेबियन सी में है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड, ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है। और आइलैंड क्या होता है, सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि वाटर से, एक लैंड वाटर से सराउंडेड हो बाय ऑल साइड, ठीक है, तो वो तुम्हारा आइलैंड है। तो हमने यहाँ पे दो आइलैंड के बारे में पढ़ना है। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड, आइलैंड मतलब लैंड जो चारों साइड से वाटर से सराउंडेड हो। वेरी स्मॉल आइलैंड सच एज इमरजेंसी लैंड फीचर्स ऑन एटॉल्स आर कॉल्ड आइलैंड, मतलब जहाँ इमरजेंसी लैंड फीचर्स अवेलेबल हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। सबसे पहले है अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, तो हमने अभी देखा मैप में, दे आर 346 इन नंबर, वहां पे 346 आइलैंड है। दीज आइलैंड आर हिली आइलैंड, देखो कैसा होगा, समुद्र से तो ऊंचा होगा तो ये कैसा होगा, हिली होगा। नाउ ओनली फ्यू ऑफ आइलैंड आर इनहैबिटेड, मतलब सिर्फ कुछ ही आइलैंड है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं और कुछ आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं आज भी। द डिस्क्रिप्शन इन डिटेल अबाउट द आइलैंड, अब यहाँ हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड, दीज आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी, अभी अपन ने मैप में देखा कहाँ आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी में आते हैं बच्चों। They are much closer to land than Andaman and Nicobar Island. मतलब वो अंडमान निकोबार के कंपैरिजन में ज्यादा लक्षद्वीप जो है लैंड के पास है। These island small and flat, छोटे हैं और फ्लैट है, और इनका नंबर कितना है, 36 in number. But only 20 of them are inhabited and these island are made up of coral reef. सिर्फ 20 island ही ऐसे हैं जिनपे इनहैबिटेड मतलब हैबिटेट अवेलेबल नहीं है, है ना। और उसमें क्या मिलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड बहुत फेमस है कोरल लीव्स के लिए। कोरल लीव्स एक स्टोन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस तरीके से रिंग्स होती हैं, ठीक है, तो ये कोरल लीव्स मिलते हैं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग, जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर है। दीज आइलैंड आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 टू 440 किलोमीटर फ्रॉम कोचीन इन केरला, केरल से इतना 220 टू 440 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये अवेलेबल है। नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो द वेरियस आइलैंड आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड, और इसमें 324 आइलैंड है, 324 एंड 22 आइलैंड्स है, जिसमें से 324 अंडमान ग्रुप में है और 22 निकोबार ग्रुप में है, ठीक है, मतलब अंडमान में अलग है। अंडमान ग्रुप में कितने आइलैंड है हमारे बच्चों, 324 है, और निकोबार ग्रुप में कितने आइलैंड है, तो निकोबार में 22 है। बट मोस्ट ऑफ देम आर अनइनहैबिटेड, मतलब अनइनहैबिटेड मतलब जहाँ पॉपुलेशन नहीं रहती, यहाँ 20 में से क्या होते 20 आइलैंड पे पॉपुलेशन है, पर यहाँ पे तो अनइनहैबिटेड है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है बहुत सारे में, अ वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन देम, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। नाउ दीज आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल अप्रोक्सीमेटली 1255 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से 1255 किलोमीटर की दूरी पे बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। द अंडमान निकोबार लाई बिटवीन 120 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द निकोबार ग्रुप, निकोबार ग्रुप से 120 किलोमीटर दूरी पर अंडमान है। दीज आर हिली एंड अनइवन, हिली है लेकिन अनइवन, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे हिली रेंजेस है, अनइवन सरफेस है। मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे आइलैंड जो है वो बहुत ज्यादा घने जंगल से कवर है। दीज आइलैंड्स आर वॉल्केनिक ओरिजिन, और जो आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार वो जनरली वॉल्केनिक एरप्शंस के बाद बने
बने हुए हैं। बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया सिचुएटेड हियर। जो बैरन आइलैंड है, आइलैंड उस आइलैंड पे एक्टिव वोल्केनो है, मतलब जो कभी भी फट सकता है, जिसमें से कभी भी वोल्केनिक एरप्शन हो सकता है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो सबसे नीचे है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, और इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पे है? यहाँ पे जो हमारे निकोबार आइलैंड है उनमें है। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वर सेंट एंड लॉस्ट इन सेलुलर जेल। मतलब जो हमारे आज देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश टाइम पे जिन्होंने फाइट किया, फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे इंडिया के हुए, इनको काला पानी की सजा दी जाती थी, और अंडमान निकोबार आइलैंड में जेल बनी हुई है, सेलुलर जेल, वहाँ पे इनको रखा जाता था। इन एंशियंट टाइम पीपल ऑफ अदर कंट्रीज हु अराइव्ड इंडिया बाय द सी रूट सेटल फर्स्ट अलोंग द सी कोस्ट। जो पहले दूसरे देशों से हमारे इंडिया में आते थे सी रूट के थ्रू, तो वो इन समुद्र के पास वाले आइलैंड में रुका करते थे। दे एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड मैनी सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड डेवलप्ड द सी पोर्ट्स अलोंग द सी कोस्ट। और उन्हीं ने फिर क्या किया, धीरे धीरे सी कोस्ट को, समुद्र के किनारे वाले एरिया को डेवलप किया, जिससे वहाँ सी पोर्ट्स बन सके। सो दीज कोस्टल प्लेन्स बिकेम वेरी प्रॉस्पर। तो धीरे धीरे ये कोस्टल प्लेन्स कैसे हो गए प्रॉस्परस, मतलब यहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो गई, लोग यहाँ एग्रीकल्चर करना सीख गए, लोगों का यहाँ आना जाना ईजी हो गया, लोगों का वहाँ रहने की जगह मिल गई। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट हुए। नैरो मतलब स्मॉल, छोटा, अनइवन बम्पी मतलब अनइवन सरफेस होता है, ठीक है, एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं होता। लैगून मतलब अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय लो सैंड बैंक। मतलब रेत के कारण ये क्या होता है, समुद्र, यहाँ पे तुम्हारा कोई ओशन है और सी है, इससे सेपरेट हो जाए और यहाँ पे एक वाटर बॉडी बन जाए। तो क्योंकि ये तो पानी इसका कहाँ से आएगा, ओशन से आएगा, इसलिए जो लगून होती है उनका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। आइलैंड अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड मतलब वो लैंड जो वाटर से सराउंडेड हो। अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट मतलब पास में। नाउ क्विक रिव्यू, इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 6000 किलोमीटर लॉन्ग है हमारी, है ना। नाउ ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पूरा कोस्टल प्लेन है और कितना है, 6000 किलोमीटर लॉन्ग है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, अरेबियन सी, इधर पे हमारा अरेबियन सी है। नाउ कांडा, ओखला, मुंबई, चेन्नई, ये सी पोर्ट्स है, मेजर सी पोर्ट्स है। और केरल इज नोन फॉर फिशिंग, केरल फिशिंग के लिए फेमस है। अहमदाबाद लार्जेस्ट सेंटर है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये लार्जेस्ट सेंटर है, ठीक है। नाउ कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इन टू, कोस्टल प्लेन्स मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन नंबर, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है उनमें कितने नंबर है, तो 36 है। नाउ नेक्स्ट इज गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारी कहाँ पे है, तो दिस इज इन गल्फ ऑफ कच्छ। नाउ मैनी फ्रीडम फाइटर को कहाँ भेजा जाता था, सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, और क्रूड ऑयल जो है वो तुम्हारा कोयली रिफाइनरी से मिलता है। नाउ इंडियन कोस्ट लाइन कितनी है, अप्रोक्स 6000 किलोमीटर लॉन्ग है। कांडला ओखला ये क्या है, पोर्ट्स है मेजर, है ना। नाउ नेक्स्ट इज अंडमान निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। नाउ ये देखा था ना, दिस वन इज बे ऑफ बंगाल। नाउ लक्षद्वीप आइलैंड आर मेड अप ऑफ कोरल रीफ से लक्षद्वीप आइलैंड में, सो दिस वन इज कोरल रीफ। नाउ लास्ट वन इज एंड डैश पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, मतलब ये क्या है, आइलैंड, आइलैंड जो वाटर से सराउंडेड होता है बाय ऑल साइड, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इज थर्ड वन। ओके, थैंक यू क्लास।